स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल के फॉर यू स्टडी में। मैं पवन आप सभी के लिए फिर यहाँ पर सैंपल पेपर्स जो है तीसरा है अपना, और जो है आपको सैंपल पेपर मिलेंगे 10, और जो है यहाँ पे ये जो हमारा तीसरा है, 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो दोनों जो नहीं देखे हैं वो भी देखिएगा। इस सैंपल पेपर में कंप्यूटर्स GK का आपके लिए ऑल फॉर एग्ज़ाम, जैसे कि आपका CPCT हुआ, CCC हुआ, बैंक हुआ, SSC हुआ, रेलवे हुआ, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर का GK का क्वेश्चन आता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिएगा यहाँ पे शुरू करते हैं, और इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो है 52 क्वेश्चंस, और 52 क्वेश्चन में से अगर जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको आते हैं तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न है, पावर पॉइंट व्यू जो आपको स्लाइड का पार्ट एक बड़े आउटलाइन के रूप में दिखाता है वह सामान्य रूप से है। तो यहाँ पे जो एक आउटलाइट है वो रूप से यानी कि बड़े रूप में दिखा रहा है, स्लाइड शो दृश्य, स्लाइड शॉर्टर दृश्य, या नोट्स पेज दृश्य है, या रूपरेखा दृश्य है। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका D, यानी रूपरेखा दृश्य। यहाँ पे हमने जैसे पावर पॉइंट व्यूज उपयोग किया और इसमें एक स्लाइड का पार्ट बड़े आउटलाइन के रूप में दिखा रहा है, तो यहाँ पे वो क्या दिखाता है, रूपरेखा दृश्य, यानी कि D सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे जो कि आपसे पूछा है कि सिमर, स्पार्कल, टैक्स और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आदि को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि अपना माउस होता है, ब्लिंकिंग होता रहता है, तो और स्पार्कल टैक्स जो होते हैं, हमारा टैक्स टाइप करते हैं वहाँ पे, तो इस प्रकार से इसमें आपको बताना है वो है क्या। फॉन्ट शैली है, फॉन्ट प्रभाव है, शब्द कला है, और पाठ प्रभाव है। तो सही आंसर है यहाँ पे आपका D, यानी कि पाठ का जो है यहाँ पे वो प्रभाव दिखाता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, गूगल क्या है? तो गूगल के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ऑप्शन है सर्च इंजन, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब पर चैट सेवा। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन ही सब ऐसे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर है सर्च इंजन। अगला है जो कि आपका यहाँ पे, आमतौर पर एक सामान्य CD ROM में तक डेटा संग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास CD होती है, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ROM है यहाँ पे, CD ROM है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको ROM इस प्रकार से लिखा जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास 700 वाइट है, 700 MB है, 700 KB है और 700 GB है। तो यहाँ पे ये है KB में और ये है आपका MB में, और साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है बाइट में है, तो V अकेला रहेगा यहाँ पे, ये जो है V अकेला रहेगा बाइट, और यहाँ पे है आपका KB में, किलो वाइट होता है यहाँ पे, और GB होता है जिसका जो पूरा नाम होता है गीगा बाइट होता है। तो साथ में आप अब यहाँ पे आप एक CD से क्या एक्सपेक्टेड करेंगे, कितनी उसमें स्टोरेज यहाँ पे होगी, तो 700 वाइट जो है कम हो गया, 700 KB भी आपका कम हो गया, और GB जो है 700 GB बहुत ज़्यादा हो गया। तो सही आंसर यहाँ पे है 700 MB, यानी कि B सही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, अधिकांश मेल प्रोग्रामर ईमेल में निम्नलिखित में से किन दो भागों को श्रोतापूर्ण करता है? तो यहाँ पे जो मेल है, मेल प्रोग्रामर है, वो दो भागों को क्या कर रहा है यहाँ पे, श्रोतापूर्ण करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो जो है यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फ्रॉम और वर्डिंग, फ्रॉम और डेट, फ्रॉम और टू, और फ्रॉम और सब्जेक्ट। जैसे हम मेल करते हैं किसी को, तो फ्रॉम और वर्डिंग यानी कि जो हमारा फ्रॉम है, स्थान है, वो कर लेता है, और साथ में यहाँ पे वो डेट भी यहाँ पे कर लेता है ऑटोमेटिकली जब हम मेल करते हैं, या मेल के जो दो भाग होते हैं ऐसे चौथा पूर्ण होते हैं, उसमें डेट भी आएगा आपका और फ्रॉम जो है आपका यानी स्थान है वो भी आपका जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, B हो गया। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, ब्लैंक स्थान है स्टार्टिंग में का उपयोग इंटरनेट पर व्यक्तियों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने या व्यक्तियों की एक विशेष सूची को भेजने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करने के लिए व्यक्तियों की एक विशिष्ट सूची है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ISP होगा, ASP होगा, ईमेल होगा और चैट होगा। तो सही आंसर है यहाँ पे ईमेल, यानी कि सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हमें भेजना था व्यक्तियों को, जो है भेजने के लिए किया जाता है, तो ईमेल के द्वारा हम यहाँ पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो कि आपका है यहाँ पे एक टर्मिनल जिसमें कोई बिल्ट इन डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है, उसे के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल है, डम टर्मिनल या स्मार्ट टर्मिनल है। तो सही आंसर यहाँ पे अपना है डम टर्मिनल के रूप में जाना जाता है, बिल्ट इन डेटा प्रोसेसिंग क्षमता नहीं है, तो वो डम टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, सामान्यता पर शॉर्टकट आइकन किस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो शॉर्टकट जो हमारे आइकन्स होते हैं उनका हम किस रूप में जो है यहाँ पे उपयोग करते हैं, डेस्कटॉप को बंद करने के लिए, एक एप्लीकेशन शुरू करने के लिए, एक एप्लीकेशन बंद करने के लिए, स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तो हम जो डेस्कटॉप पर हो या और कहीं भी शॉर्टकट आइकन बना लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे क्या है पहुँच जाते हैं, तो एक एप्लीकेशन शुरू करने के लिए, यानी कि आपका यहाँ पे बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया गया बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट निम्नलिखित में से कौन से व्यू में नहीं दिखाई देता है। वेब लेआउट में, वेब लेआउट व्यू है यहाँ पे, प्रिंट लेआउट व्यू है, रीडिंग व्यू है और प्रिंट व्यू है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे आपने बैकग्राउंड किया है तो उसमें कलर्स हैं, इफेक्ट हैं, जो भी चीज़ें वो कहाँ दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पे सही आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू में जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी, यानी कि यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न जो कि है आपका यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन उपलब्ध नहीं है। PMT एवरेज मैक्स सम। तो ये यहाँ पे देखेंगे जो एक्सेल है, तो एक्सेल में आपके पास फॉर्मूला होते हैं, तो या ऑप्शन कह लीजिए जिसमें हम इनपुट कर सकते हैं, तो आपको एवरेज मिलेगा देखने को, मैक्स मिलेगा और सम भी मिलेगा। तो सही आंसर यहाँ पे है PMT, यानी कि ये सही आंसर है यहाँ पे, जो कि हमें उपलब्ध नहीं है। अगला है यहाँ पे आपका, जिसमें पूछा है आपसे एक वेब पेज लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज का नाम है, तो HTTP, FTP, URL और HTML। तो सही आंसर यहाँ पे है HTML। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। साथ में ही आपका यूनिवर्सल रोज लोकेटर्स EO की URL यहाँ पे है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें पूछा है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो कंप्यूटर का जो यहाँ पे प्रिंटर है वो किस प्रकार की डिवाइस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इनपुट है और इनपुट और आउटपुट दोनों है, सॉफ्टवेयर है या यहाँ पे आउटपुट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर की बात की है, तो प्रिंटर की बात करने में यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। अगर इसमें जो कि स्कैनर होता तो वो इनपुट भी करता, स्कैनर क्या करता यहाँ पे इनपुट करता, बट यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, तो यहाँ पे जो है आउटपुट है। और वैसे प्रिंटर में अगर हम स्कैन करते हैं तो वो जो है इनपुट डिवाइस भी होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम एनिमेशन सुविधा प्रदान करता है। तो जो एनिमेशन सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पे कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो सही आंसर यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे एनिमेशन का पूछा हुआ है, तो एनिमेशन हमारा होता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है, जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल का एक प्रकार है, ASCII यहाँ पे है, और RAM है, TCP/IP है, DBA है। तो यहाँ पे ASCII और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटोकॉल का एक प्रकार है, तो वो है यहाँ पे TCP और IP यहाँ पे है, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, किस साल VSNL ने, VSNL यानी कि ये वाला V है, S है और N है और आपका यहाँ पे L है।
तो ये है भारत संचार निगम लिमिटेड है, यहाँ पे सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग भारत प्रारंभ किया था। तो VSNL क्या है, यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड है इसका पूरा नाम। और जैसे अपना VSNL होता है, इसी प्रकार से ये जो है इसका बड़ा रूप है, तो ये जो है भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो है VSNL का जो किस सन में यहाँ पे इंटरनेट का जो है उपयोग प्रारंभ किया था, वो इसका जो सन बताना है यहाँ पे, तो 1995 में इन्होंने यहाँ पे किया था। विदेश चूँकि यहाँ पे है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, मैग्नेटिक टैप, वीडियो टर्मिनल, प्रिंटर, असेंबलर। सही आंसर यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है, मैग्नेटिक टैप यहाँ पे, जो कि आप देखते होंगे जिसमें स्टोरेज करते हैं, तो ये हार्डवेयर के रूप में आती है, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे कि वीडियो टर्मिनल होता है, वो भी आपका एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी आपका एक हार्डवेयर है, असेंबलर यहाँ पे जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो है सही करना होता है, तो प्रोग्राम्स ही हो गए, असेंबलर करते हैं, तो वहाँ पे क्या ये हार्डवेयर नहीं होगा, यानी कि डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, को सिस्टम कैबिनेट या चेसी भी कहा जाता है, तो किस चीज़ को यहाँ पे सिस्टम कैबिनेट कहते हैं और या उसे चेसी भी कहते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डेस्कटॉप या सिस्टम यूनिट यहाँ पे है, तो सही आंसर यहाँ पे आपका सिस्टम यूनिट, यानी कि जो है डी सही आंसर होगा। इसे हम क्या है, सिस्टम कैबिनेट भी कहते हैं, सिस्टम यूनिट जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें आपका मॉनिटर हो गया, आपके पास कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, तो वो पूरा एक कैबिनेट्स की तरह हमारा सिस्टम सजा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की एक इकाई है, किलोग्राम, किलोवाइट, मीटर, सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिएगा, किलोवाइट इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी आपका सही है। किलोग्राम्स यानी कि जो वजन के लिए उपयोग की जाती वो है, मीटर्स जो है लंबाई के लिए, सेल्सियस यानी कि साइंस में एक टेम्परेचर नापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिग्री है, मेमोरी या नापने की इकाई है। अगला है आपका यहाँ पे, जिसमें पूछा शब्द उस उपकरण को निर्दिष्ट करता है जिसे कंप्यूटर की कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जाता है, डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या पेरीफेरल डिवाइस। तो यहाँ पे सही आंसर है डी, पेरीफेरल डिवाइस है, यानी कि डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी निम्नलिखित में से किसमें डेटा यथावत रहेगा, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर बंद कर लेंगे और उसका जो डेटा है वो बना रहेगा, रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। इसका सही आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, यानी कि आपका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, LAN, VAN और MAN विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क है, इनके पहले अक्षर L, W और M का क्रमशः अर्थ होता है, तो L का होता है लोकल्स और W को होता है यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरा इसका नाम, और LAN को होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स, MAN को होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। तो एक एक वर्ड्स का लेना है, L का लेना है, W का लेना है और MAN का लेना है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो A है, लोकल वाइड ए मतलब यहाँ पे और मेट्रोपोलिटन आएगा, तो यहाँ पे था वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे था MAN, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, इसमें पूछा है आपसे, निम्न में से किसकी ट्रांसमिशन गति अधिकतम है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन गति बताना है आपको, ट्विस्टेड वायर पेयर्स की है, कोएक्सियल केबल की है, ऑप्टिकल फाइबर की है या माइक्रोवेव की है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन गति बताई है, जैसे कि हम अपनी जो सिस्टम्स होते हैं तो उसमें केबल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जोड़ने का काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बेस्ट केबल होती है और उसमें जो है ट्रांसमिशन की गति अधिकतम होती है। तो इस प्रकार सही आंसर है हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, पासवर्ड उपयोगकर्ताओं को सक्षम में सक्षम बनाता है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो कहाँ पर मतलब सक्षम बनाता है, सिस्टम में शीघ्रता से प्रवेश करने, समय का कुशल उपयोग करने, फाइलों की गोपनीयता बनाए रखने, फाइल संरचना को सरलीकृत करने। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका, फाइलों की गोपनीयता को जो है यहाँ पे बनाए रखने के लिए यहाँ पे पासवर्ड यूज किया जाता है। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे,
जिसमें आपसे पूछा है उन कमांडों की सूची है जो एप्लीकेशन विंडो के टॉप पर दिखाई देते हैं। तो विंडो के जो टॉप पे दिखाई देने वाले मतलब क्या होते हैं, जिसमें हमारी क्या होती हैं कमांड सूची होती हैं, और वो कमांड सूची किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करती हैं। तो यहाँ पे है आपका GUIS आइकन मेन्यू विंडोज, सही आंसर है यहाँ पे आपका मेन्यू, जो कि मेन्यू में हमारी कमांड सूची विंडो के टॉप पर यहाँ पे दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट एंटर करने का सही तरीका है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम चाहते हैं चार्ट एंटर करने का सही तरीका है, तो फॉर्मूलस चार्ट है, डाटा चार्ट है, इंसर्ट चार्ट है, व्यू चार्ट है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, इंसर्ट चार्ट से पहले हम इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वो जो है यहाँ पे चार्ट एंटर करेंगे। तो इस प्रकार सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे जो कि पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में दर्ज संख्याओं और तिथियों को कहा जाता है, लेवल, न्यूमेरिक, एंट्री, सिंबल, टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सेल में दर्ज संख्याओं और तिथियों को, दो चीज़ें पूछी यहाँ पे कि नंबर एंड डेट्स जो होती है उसे क्या यहाँ पे कहा जाएगा, तो वो है न्यूमेरिक एंट्री, जिसमें आप ऑप्शन देखेंगे लेवल्स है यहाँ पे, और न्यूमेरिक है, सिंबल है, टैक्स है। सिंबल मीन्स आपका कोई आइकन हो सकता है, टैक्स में आप लिखते हैं, लेवल्स में हम जो लेवल्स होते हैं वो होता है यहाँ पे, बट ये जो है संख्याओं वाला काम है, तो इसे न्यूमेरिक एंट्री यहाँ पे कहा जाएगा, यानी कि बी सही प्रश्न होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि नेटवर्क में कौन सा यंत्र है जो उन आईपी पैकेटों पर भी काम करता है और है जो स्पष्टता उसको उद्देशित नहीं होती है, ब्रिज, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो सही आंसर यहाँ पे है राउटर, जो कि आईपी पैकेटों पर भी काम करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, कंप्यूटर स्टार्ट करने के निर्देश सामान्यता पर कहाँ पर संग्रहित होते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो उसके निर्देश कहाँ पर संग्रहित होंगे, या कहाँ पर जो है जाएंगे, पहले रैम में जाएंगे, डीवीडी में जाएंगे, रोम में जाएंगे, या सीपीयू में जाएंगे। तो सही आंसर है यहाँ पे रोम में जाएंगे, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, आपको पता ही होगा, जो कि आप मेरे से पढ़ते हैं तो उनको तो पता ही होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल की ऑटोफिल विशेषता का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल की जो है ऑटोफिल विशेषता है यहाँ पे, तो ये क्या है इसको आपको यहाँ पे बताना है। सेल को ऐसे डेटा से भरना एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, और सेल के मान की एक रन जोड़ने के लिए, चयनित सेल के चारों ओर बॉर्डर बनाने के लिए, चयनित कॉलम को स्वतः छोड़ने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे ये है, सेल को ऐसे डेटा से भरना एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, यानी कि ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सेल में वर्तमान तिथि को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है आपके पास, उसमें आप चाहते हैं कि उसकी डेट में जो है कुछ परिवर्तन किया जाए, या जो कि आपका यहाँ पे इंसर्ट है, तो कंट्रोल प्लस टी हुआ, कंट्रोल प्लस यहाँ पे जो कॉलम्स का निशान है, ये इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका यहाँ पे बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, एक सर्वर से किसी वेब पेज या फाइल को आपकी कंप्यूटर कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये सही आंसर आपको पहले भी पता होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि जो क्वेश्चन है पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान होगा, क्योंकि हम करते क्या हैं, किसी सर्वर से किसी फाइल को आपके कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रक्रिया, या हम उसका डाटा या इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से ला पाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, एक प्रकार की वॉर्म है जो यूजर द्वारा भेजे जाने वाली इमेज से शॉम को जोड़ता है, मॉस, मेलर, कुकीज, कनेक्टर, ट्रोजन हॉर्स। तो सही आंसर यहाँ पे है मॉस मेलर, यानी कि ये सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, एक का प्रयोग टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है उसमें से जिसका टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है, उंगली है, माउस है, डिजिटाइजर है, स्टाइलस है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी है, यानी कि स्टाइलस, कुछ अजक मतलब जो नेचुरल, जैसे हमारा ये मेरा लिखा हुआ है, अगर इसे मैं इटैलिक करके लिख देता तो थोड़ा सा डिजाइन और एक स्टाइलस यहाँ पे बन जाती।
तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, किसी फाइल के लिए स्टोरेज आकार की आवश्यकताओं को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब किसी फाइल की जो स्टोरेज का जो आकार है उसे हम कम करना चाहते हैं, तो फाइल कंप्रेशन होगा, फाइल कंप्रेशन होगा, फाइल एसोसिएशन होगा, फाइल मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है फाइल कंप्रेशन है, जिसे हम यहाँ पे उसका जो आकार है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम करने की प्रक्रिया है, तो फाइल कंप्रेशन इज़ द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट में दाएं और बाएं मार्जिन दोनों के साथ लाइन अप कर देता है, तो लेफ्ट अलाइनिंग कहलाता है, या सेंटर अलाइनिंग कहलाएगा, या राइट अलाइनिंग कहलाएगा, या जस्टिफाइड अलाइन कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे जो होती है आपकी, आपने देखा होगा हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस आर से हम जो है राइट जाते हैं, कंट्रोल प्लस आर से जो है लेफ्ट जाते हैं, आर से राइट जाते हैं, एल से जो है यहाँ पे लेफ्ट जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट दाएं और बाएं मार्जिन दोनों के साथ लाइन अप कर देते हैं, तो वो यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनिंग कहलाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हुआ, डी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, कि शॉर्टकट और विशेष टास्क करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आप आमतौर पर अन्य कुंजी के संयोजन में उपयोग की जाती है। अब यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट्स और कुछ विशेष टास्क होते हैं, तो जो कुंजी होती है वो कहाँ पे किस प्रकार से मतलब ज़्यादा यूज की जाती है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप जी कुंजी हैं आपके पास, कंट्रोल अल्ट है, फंक्शन है, टॉगल की है, डिलीट इंसर्ट है, कैप्स लॉक है, और नंबर लॉक से, तो ज़्यादातर हम शॉर्टकट्स करेंगे या विशेष टास्क करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल और अल्ट यहाँ पे होगी, यानी कि ये आपका सही आंसर है। अगला यहाँ पे आंसर है, संबंधित फाइलों के संग्रहण को कहा जाता है करेक्टर, फील्ड, डाटाबेस या रिकॉर्ड। तो सही आंसर यहाँ पे फाइलों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संग्रहण कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से हमारा क्या होगा, डाटाबेस होगा, यानी कि आपका यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे, यदि डिफ्रेगमेंटेशन प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले पुनः प्रारंभ हो जाती है तो समस्या किससे संबंधित हो जाती है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है आपका यहाँ पे देखेंगे, मेमोरी, प्रोसेसर, अन्य कोई समस्या, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो प्रक्रिया के चलते शुरू किया गया। तो यहाँ पे अब डिफ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जैसे कि अब हमने कोई प्रक्रिया कर रहे हैं और उसे पुनः प्रारंभ हो जाती है, तो वो है कोई एक ऐसा एप्लीकेशन जो प्रक्रिया के चलते शुरू किया गया हो, यानी कि आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, किस प्रकार का अटैक सूचना की गोपनीयता के लिए खतरा है। तो हमारा जो मतलब इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, और वो जो है एक गोपनीयता है, और उस पर अटैक होना क्या कहलाता है, स्काउटिंग, स्नूफिंग, डॉज, ब्रूट फोर्स अटैक कहलाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का वो कहलाएगा, तो सही आंसर यहाँ पे स्नूपिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे प्रकार का अटैक है क्या है, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं वो लोग, अगर अटैक कर लिया है, पूरा कर चुके हैं, तो वो हैकिंग हो जाएगा। अब गोपनीयता के लिए खतरा है, तो यहाँ पे जो है स्नूपिंग होगा, यानी कि भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, रिमोट होस्ट से जुड़ने के लिए टर्मिनल एम्यूलेटर का उपयोग करता है, टेलनेट, वीपीएन, टर्मिनल सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप। अब रिमोट होस्ट से जुड़ने के लिए टर्मिनल एम्यूलेटर है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, टेलनेट है, यानी जो इंटरनेट के द्वारा हम उसे जुड़ेंगे, उसे होस्ट करेंगे। वीपीएन भी एक उसी प्रकार का है, बट ये होता है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होता है, वीपीएन, है ना। यहाँ पे सही आंसर था वो आपका भी, तो यहाँ पे जो है ये था, वहाँ पे विंडोज़ का कौन सा सिस्टम सेक्शन जुड़े हुए सभी प्रिंटरों को प्रदर्शित करता है, प्रिंटर और फैक्स, कंट्रोल होगा और फैक्स होगा, प्रिंटर होगा, प्रिंटर और फैक्स होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी है, यानी कि हमारे जो भी सिस्टम से सेक्शन से जो सभी प्रिंटरों को प्रदर्शित करेगा वो प्रिंटर और फैक्स होगा, यानी कि डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, कुछ कीवर्डों पर कमांड, सिस्टम्स, रिक्वेस्ट कमांड द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी को शेयर करता है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट और पॉज। तो
यहाँ पे क्या करना है हमें, कमांड द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी को शेयर करेगा, यानी कि आप देखेंगे प्रिंट स्क्रीन होगी वो हमें वहाँ पे प्रदर्शित करेगी और शेयर यहाँ पे करती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में ऑडियो डेटा को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट में करना है यहाँ पे, तो सेव करने के लिए उपयोग से कौन सी फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। अब वैसे हम रिकॉर्ड करते हैं तो AMR आता है, बट यहाँ पे इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट लेना है तो सही आंसर होगा यहाँ पे AIF होगा, यानी कि ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, एक ओपन ऑफिस कैल्क में प्रिंट विकल्प के अगले प्रिंट पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या होगा। अब हम जाना चाहते हैं अगले प्रिंट विकल्प के अगले प्रिंट पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन यहाँ पे होगा, क्योंकि हम नीचे जाएंगे और उसका जो है दूसरा जो ओपन है ओपन ऑफिस में हम जाना चाहते हैं उसके नेक्स्ट वाले पेज पर, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे ढूंढना थी, तो यहाँ पे क्या है बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो का आपका है यहाँ पे, एक लॉजिकली संबंधित डेटा के कलेक्शन को कहते हैं फाइल, लाइन, पॉइंटर या मार्कर। तो यहाँ पे एक लॉजिकल संबंधित डेटा के कलेक्शन आपने किया है तो उसे हम जो यहाँ पे क्या कहेंगे, तो वो है जो आपका एक फाइल कहलाएगा, यानी कि ए सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, मैसेज इंटीग्रेट में से मैसेज डाइजेस्ट को कैसे रखा जाना चाहिए, सीक्रेट, हाई, लो, डाउन। 46 जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैसेज इंटीग्रेटेड है, मैसेज डाइजेस्ट को कैसे रखा जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर है सीक्रेट, यानी कि हम उसे कैसे रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, यानी ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक मान को दर्शाता है, फंक्शन, लाइन, पाई और बार। तो यहाँ पे जो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक मान को दर्शाता है, तो वो है आपका यहाँ पे पाई, यानी कि सी सही आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे जो कि आपसे पूछ रहा है, अन्य डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है, मेटा डेटा, माइक्रो डेटा, मेगा डेटा या माइक्रो डेटा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है मेटा डेटा, यानी कि ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे हमारा 49 क्वेश्चन है, कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी निर्देश विशेष रोम चिप्स में संग्रहित किए जाते हैं और इसे कहा जाता है। तो विशेष रोम चिप्स में संग्रहित किए जाते हैं इसे कहते हैं बायोस, फ्लैश, सिंबल, माइक्रोकॉड। सही आंसर है यहाँ पे बायोस। वॉइस जो कि आपका इस प्रकार से VIOS, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, डॉट के बाद डोमेन नाम के अंतिम भाग को कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे डॉट लग गया, डॉट के बाद डोमेन नाम के अंतिम भाग को क्या कहेंगे, डोमेन कोड या ईमेल, टारगेट या DNS या IP एड्रेस। तो या जो मतलब डॉट के बाद है उसे क्या कहेंगे, तो डोमेन कोड यहाँ पे कहते हैं। जैसे कि अब कोई वेबसाइट है तो .com होता है, तो वो जो है उसका यहाँ पर डोमेन कोड है, .inv होता है और डॉट करके होते हैं कई सारे, तो वो एक जो है आपके डोमेन होते हैं, यानी कि डोमेन कोड आपका कहलाता है। अगला है आपका यहाँ पे, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि ईमेल की खोज किसने की थी, वो आपको यहाँ पे पूछा है। रेमंड टॉमिलिसन ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने और गोहलिस वर्ग में। तो यहाँ पे सही आंसर है रेमंड टॉमिलिसन ने यहाँ पे की थी, और ये जो है अमेरिका के हैं और अमेरिका की कंपनी जो कि उसमें इंजीनियरिंग थे उसमें जो है यहाँ पे ये वर्क करते थे, तो ये जो है अमेरिका के हैं रेमंड टॉमिलिसन। इस प्रकार से भी कभी पूछा जा सकता है। और आज का
लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है, वेब ब्राउज़र है और यूआरएल शॉर्टनर है, ईमेल सर्वर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यूआरएल शॉर्टनर यानी कि कोई लिंक आपकी होती है तो उसे हम शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि यूआरएल उसका काफ़ी बड़ा आता है तो उसे शॉर्टनर कहते हैं। बट यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है तो ये है वेब ब्राउज़र है, यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। ईमेल सर्वर होते हैं आपके ईमेल सेवाओं को आदान प्रदान करने के लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी मतलब सिक्योरिटी के लिए होते हैं, आपका जो सिस्टम्स होता है उसमें फाइल डाटा विस कई प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए होता है। तो यहाँ पे सही आंसर था नेटस्केप नेविगेटर का एक जो है वेब ब्राउज़र है। वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है ऑल पे प्रेस कर लेना है। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज के फॉर यू स्टडी एंड साथ में मेरा जो है टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।